जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन जो ऊंची जाति वाले हमारी बाइक में नीला झंडा लगा हुआ ही देख लेंगे तो बाबा साहब को गाली देते हैं। ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है, जो हमारे करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और तमाम गरीब लोगों को एक शक्ति प्रदान करता है, वो संविधान खतरे में है, ऐसे समय में अशोक कुमार बौद्ध जी जैसे लोग जो कि एक जुझारू समर्थक हैं, जो जुझारू प्रचारक हैं संविधान के, वो हमें एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। इतने बड़े हो गए हैं, संविधान के बारे में हमको नॉलेज नहीं था, बाबा साहब ने हमें क्या किया, क्या दिया, किस कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ। लेकिन जो दिल्ली के आईपीएस सुनील कुमार गौतम साहब और उनकी पत्नी किरण गौतम जी, जिन्होंने संविधान को संविधान काव्य के रूप में तैयार किया, और शिवसागर जी ने जो गाया है, तो इनके गाने में और मोबाइल में जो यूट्यूब पर है वो गा के भी आता और लिख करके भी आता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी देश की जनता जो भी हम लोग हैं, सबको जानना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, सबको अपने देश का संविधान जो है जानना चाहिए, अपने मौलिक अधिकार जानना चाहिए, देश के प्रति वफादार होना चाहिए। और जब तक हम लोग अपने मौलिक अधिकार नहीं जानेंगे तब तक हम लोग अपने मतलब हमारे देश को कोई भी आके मिटा देगा, हम लोग जान नहीं पाएंगे। तो संविधान के प्रचार में तब से चालू कर दिया कि उसमें लिख करके भी आता और गा के भी आता, बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन इनके शिवसागर जी ने जो गाया उसका मैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी परमिशन के, बगैर हमें अच्छा लगा और मैं संविधान का प्रचार चालू कर दिया हूँ शिवसागर जी का गाया हुआ। तो मौलिक अधिकार हमारे हैं, मैं चाहता हूँ लोग सुने, समझें और जागरूक हों और क्या कहते हैं कि अपने संविधान को जाने, अपने महापुरुषों को जाने। जो लोग समझदार होते हैं वो कोई हाथ उठा के ऐसे करते हैं, कोई कहते हैं भैया बहुत बढ़िया, कोई कहते हैं जय भीम, कोई तो फिर हम तो जय संविधान ही बोलते हैं, क्योंकि बाबा साहब को हमारा जो मेन चीज़ संविधान को जानने का, तो संविधान लोग पूछते भैया ये, जो लोग नहीं जानते वो पूछते भैया ये क्या है, काहे के लिए रथ निकाले हो, तो मैं कहता हूँ भैया मैं संविधान का प्रचार करता हूँ, आप यूट्यूब पे शिवसागर का संविधान सुनिए और अपने मौलिक अधिकार जानिए, जो हमारा जो किसी भगवान और देवी देवताओं ने नहीं दिया, हमें जो भी दिया बाबा साहब ने संविधान के रूप में, हमें मौलिक अधिकार दिए हैं जिससे ये बदलाव आया है, हमारे तन पे कपड़े आए, हमको बोलने का अधिकार मिला, रास्ते में चलने का अधिकार मिला, घर बनाने का अधिकार मिला, और सरकार से हमें बराबरी का अधिकार मिला, और हमें ये सरकार से जो हमें नहीं देती है या जो हमारे अधिकार नहीं देना चाहती, वो हम अपने अपने संविधान को जान करके, समझ करके हम अपने हक और अधिकार मांग सकते हैं ये भारतीय संविधान में। जी बिल्कुल, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अपने साथ रखता हूँ, पेंटिंग काम करता हूँ या गांव जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने ये रथ लेके ही चलता हूँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएँ कि भैया भारतीय संविधान अभी तक यूट्यूब पे नहीं था, मोबाइल में नहीं था, आप अपने मोबाइल में सुनिए और समझिए और जानिए और लोगों को बताइए। भाग 3 से मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, अनुच्छेद 14 और 15 में हम लोगों को कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दुकान में भी जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, और ये अनुच्छेद 14 15 से मिला है। 16 में मिला है कि कोई भी महिला पुरुष अगर सरकारी नौकरी करता है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 में जाति का पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 19 में हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं, ये अधिकार हमको जो मिले हैं, तो हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग अपने यूट्यूब पर शिवसागर का संविधान सुनिए और जानिए अपने अधिकार। जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन जो ऊंची जाति वाले उसका नील हमारी बाइक में नीला झंडा लगा हुआ ही देख लेंगे तो बाबा साहब के नाम, बाबा साहब को गाली देते हैं और बाबा साहब को चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देते हैं, और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, वो अब तक 2 आदमी ऐसे मिले जो बाबा साहब को गाली डायरेक्ट दिया है, वो ऊंची जात वाले हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो सब जागरूक है या अपने संविधान के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति नहीं भी जानते तो भी हमारी कोई बुराई नहीं करता, लेकिन जो ऊंची जाति वाले हैं वो जरूर अब तक 2 आदमी मिले जिन्होंने गाली दिया डायरेक्ट।
कुमार बौद्ध जी का बेटा हूँ, उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। हम आज़ादी से पहले तो किसी को भी ज्ञान नहीं था, आज़ादी से पहले दलितों को दबाया जाता था, लेकिन अब जब बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिए हैं तो वो भी किसी को नहीं मालूम है, तो इसका वो प्रचार करते हैं, ये अच्छी बात है। इसका नॉलेज सबको होना चाहिए अपने मौलिक अधिकारों का। जब से मतलब समझ वाली बुद्धि आई है तब से मैं देख रहा हूँ इनको प्रचार करते हुए। मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, जब से मुझे याद है तब से मैं देख रहा हूँ इनको प्रचार करते हुए, हर जयंती को मनाते हुए।